सिद्धार्थनगर, बारिश ना होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। पंपिंगसेट से पानी चलाकर धान की कर रहे हैं रोपाई। आपको बता दें, जनपद सिद्धार्थनगर के करौंदा मसना गांव के सिवान में बारिश ना होने से किसानों की परेशानी आए दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में समय पर खाद ना मिलने को लेकर और पानी ना उपलब्ध होने पर किसानों की चिंता बढ़ी। क्या कुछ कहते हैं किसान, सुनिए। ये आपका क्या नाम है और खेती को लेकर आपको क्या परेशानी है? हमारा बारिश हो नहीं रहा है और नहर में भी पानी नहीं बराबर आ रहा है, इसके लिए बहुत समस्या हो रही है पानी चलाने में भी। और इधर अभी महंगाई भी ज़्यादा हो गया है जी, और डाई भी नहीं मिल रही है कहीं पे। अच्छा, डीपी खाद भी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है। तो ये आप लोग किस कैसे पानी चला रहे हैं? पंपिंग सेट से पानी चला रहे हैं? जी, पंपिंग सेट से ही चला रहे हैं। नहर में पानी उपलब्ध है कि नहीं आपको? बहुत कम है। अच्छा, खाली थोड़ा बहुत है, इसके बारिश का जो हुआ था वही पानी इकट्ठा था, उसी से सब लोग। कितने दिन से बारिश नहीं हो रही है? लमसम 15 दिन से बारिश नहीं हुआ है। इसके बाद क्या खेत सारे सूख रहे हैं? जी जी। अच्छा, डीएपी खाद भी आप लोग को नहीं मिल जी रहा है? नहीं मिल। क्या मांग करेंगे सरकार से, क्या चाहते हैं आप? अब सरकार से वही खाद वो उपलब्ध करा दिए। क्या नाम है आपका? मेरा राम, राजा राम। ठीक। हमारा नाम अब्दुल है और बारिश नहीं हो रही है, पंपिंग सेट से पानी चलाया जा रहा है और पानी की बहुत समस्या है। और क्या समस्या आपको? और खाद वाद भी नहीं मिल रहा, समय से जाने पे लाइन लगाना पड़ता है, उसके बाद समय से मिलता भी नहीं है, वापस चले आते हैं। यही सब समस्या है पानी का। बारिश ना होने से आप लोगों को पंपिंग सेट के माध्यम से खेती करना पड़ रहा है जी। और डीएपी खाद वगैरह मिल रहा है आपको? नहीं, बराबर वो भी नहीं मिल रहा, खाद वाद भी नहीं मिल रहा है। खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही अपील है कि समय से हर एक चीज़ मिले, पानी भी मिल जाए और खाद वाद भी मिल जाए समय से। नहर में पानी है कि नहीं है? अभी तो नहीं है।